कॉलिंग सेकंड क्लास, हाउ यू बेटा? आई एम फाइन, आप कैसे हैं बेटा? आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.7। दिस इज योर एक्सरसाइज 1.7। सब बच्चे ध्यान से देखिए, आज ही आपको करवाया जाएगा 1.7। इसमें है आपका यूज द नंबर लाइन टू राइट द नंबर। आपने नंबर लाइन के ऊपर नंबर सीखने हैं, प्लस हो तो प्लस करेंगे, माइनस हो तो माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 1.7, डेट है 10, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक एक्सरसाइज 1.7। जिन बच्चों ने बुक में कर रखा है, वेरी गुड, उनको नोटबुक में भी किया होगा, तो आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर लाइन टू राइट द नंबर। स्टार्ट एट, एक आपका टेबल बनेगी, स्टार्ट एट, जंप टू द राइट बाय, ये 7 पार्ट्स हैं आपकी बुक में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो स्टार्ट एट 4, 2, 5, 3, सेवन लाइंस बनाने। यहाँ पर 10 तक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा टेबल जो हमने टेबल बनाई है, और आपको 1 to 10 नंबर लाइन में बनानी है। साथ ही साथ आप पेंसिल और स्केल का यूज़ कर सकते हैं। हम काउंटिंग लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार आपने सब में क्या लिख लेंगे, काउंटिंग 1 to 10।
अब इन्होंने कहा है, हम आपको एक क्वेश्चन करके बताते हैं। कहते स्टार्ट डेट शुरू कहाँ से करना है, फोर से, जंप टू द राइट बाय थ्री तक, हमने फोर से स्टार्ट करना है और जंप करना थ्री, तो फोर और थ्री कितने हो गए, सेवन। तो हम कहाँ पर लैंड करेंगे, सेवन पे। पहले हम जीरो से लेकर कहाँ तक जाएँ, फोर पे, जीरो से लेकर कहाँ तक चले गए, फोर पे। फोर के आगे उसने कहा है राइट बाय थ्री जाए, वन टू थ्री। तो फोर और थ्री कितने हो गए, फोर यहाँ तक हो गया, फाइव सिक्स सेवन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेवन। क्या आ गया यहाँ पर, सेवन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, टू से स्टार्ट करना है और फोर तक जाना है। पहले हम काउंटिंग के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जीरो से लेके हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, टू तक, फिर हमारे आगे कितने जाना है, फोर तक, वन टू थ्री फोर। तो हम कहाँ पर आ गए, फोर। टू और फोर को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स। दिस इज आवर आंसर। समझ आया सब बच्चों को, सब बच्चे टू मिनट्स आपके पास करिए, फिर मैं आपको करवाऊँगी बेटा। सब बच्चे पहले ध्यान से लिखिए, सबको क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। पहले आप काउंटिंग लिखिए, देन स्टार्ट करिए, कहाँ से कहाँ तक जाना है, फुल राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। कितना जंप किया हमने, फोर। तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, फोर, फाइव टू फोर नाइन।
आप कहते हैं थ्री से स्टार्ट करिए, पहले काउंटिंग लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कहते हैं थ्री से स्टार्ट करिए, जीरो से लेकर हम कहाँ तक गए, थ्री पर। फिर इन्होंने टोटल बताया सिक्स तक चले गए हम, सिक्स तक चले गए, कितना जंप किया, 1 2 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, थ्री और थ्री सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टू से स्टार्ट करना है, पहले काउंटिंग की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान दें। अब वो कहता है ई पार्ट टू से स्टार्ट करना है, टू तक जाइए, देन हमारा सेवन तक जाना है, हमें जंप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सेवन जब हमने जंप किया तो कितना आ गया, 9। 2 और 7 कितने होते हैं, 9। तो बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है। अब हमने 1 से स्टार्ट करना है, अब हम नंबर नीचे से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्टार्ट है, जीरो हम स्टार्ट नीचे से कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इन्होंने कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। 0 से हम कहाँ चले गए, 1 पर। देन हमने 6 जंप करना है, 1 2 3 4 5 6। 6 तक हमने जंप कर लिया, तो 1 और 6 कितने होते हैं, 7। वहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया, 7। नेक्स्ट हमने 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट किया, 5 जंप करना है, 1 2 3 4 5। 5 पर चले गए हम सीधा, तो कितना आ गया, 5 का 5। बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है। तो ये था बेटा, यूज़ द नंबर 9 टू शो द या टू राइट द नंबर। तो आपने इस प्रकार इसको अपनी बुक और कॉपी में प्रैक्टिस भी करनी है और वर्क भी करनी है। इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट सेम है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर हम आपको आगे करवाएंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब बच्चे ध्यान से देखें, क्लियर हो गया बेटा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू, राइट द नंबर. क्वेश्चन नंबर टू, राइट द नंबर. टेबल है, इन्होंने बोला है कि 7 में 1 प्लस करना है, ग्रेटर करना है, और 15 में 2 ग्रेटर करके बताना है क्या नंबर आएंगे. अगर हम 7 में 1 प्लस करते हैं कितना आ गया 8, 25 में 1 प्लस करते हैं कितना आ गया 26, 15 में 2 प्लस करिए 15 16 17 17, 98 में 2 प्लस करिए 98 99 100, कितना आ गया 100. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, हमें बताना है 1 ग्रेटर करना है और 2 ग्रेटर करना है. 7 में 1 प्लस किया तो आ गया 8, 25 में 1 प्लस किया 26, 15 में 2 प्लस किया तो 17, 98 में 2 प्लस किया तो 100. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जिस प्रकार ये किया था, ग्रेटर मतलब 2 ग्रेटर, 5 में 2 प्लस करना था तो कितना आ गया 7. अब करना है लेस, लेस होता है कम. 31 में से 1 लेस करेंगे तो कितना जाएगा 30. 31 में 1 माइनस किया तो कितना आ गया 30. 67 में 1 किया तो माइनस 66. ओके स्टूडेंट्स, 39 में से 2 माइनस करेंगे तो 37. 99 में 2 माइनस करेंगे तो 97. इसमें से 2 माइनस कर दिया, 9 में से 2 गया 7, 3 का 3, 9 में से 2 गया 7, 9 का. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, आप अपनी बुक में और अपनी नोटबुक में कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर है. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसकी 2 पार्ट्स में करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे.
प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एक एक एग्जांपल करवाऊंगी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट अ मिसिंग नंबर विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट अ मिसिंग नंबर विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। दो पार्ट करवाऊंगी, 3 + 4 = 1, एक प्लस वाला और एक है मैं आपको माइनस वाला करवाऊंगी, 8 - 2 = - मैं एक प्लस वाला और एक माइनस वाला करवाऊंगी, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। नंबर लाइन बनाइए इसकी पेंसिल की सहायता से और स्केल की सहायता से, 0 से लेकर 10 तक है आपका। पहले है 3 + 4 कितना हो गया 7। पहले हम 0 से कहाँ पर जाएंगे 3 पर, देन हम 4 जंप करेंगे 1 2 3 4, तो क्या आ गया आपका आंसर 7, दिस इज आवर आंसर। अब माइनस में क्या है, 8 - 2, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 माइनस करें तो क्या आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, पहले हम कहाँ जाएंगे, 0 से लेकर कहाँ तक चले गए 8 तक, 0 से लेकर कहाँ चले गए 8 तक। अब 8 में से 2 माइनस करने हैं, लेस करने हैं, 1 2, कितना आ गया आंसर 6। क्या आ गया आंसर 6, ध्यान से समझे बेटा। प्लस वाला तो इजी है, माइनस में क्या करना है, पहले आप टोटल पे जाएंगे, हाफ गए लैंड किया 8 पर, अब उसमें से 2 लेस करने हैं, कम करने हैं, 1 2, कितने हो गया 6, दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की आपको मैंने समझा दिया है, मैंने एक इसका प्लस का और एक माइनस का आपको करवा दिया। ओके स्टूडेंट, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे से बेटर, टेक केयर, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें, और नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं।